हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं गोल्डन मिल्क फॉर डिलाइटफुल रसोई। गोल्डन मिल्क जिसे हम हल्दी का दूध भी कहते हैं, इट्स वेरी गुड रेसिपी इन आयुर्वेदा बिकॉज ऑफ इट्स हीलिंग प्रॉपर्टी। मेन इंग्रेडिएंट वी यूज़ इन गोल्डन मिल्क इज टर्मरिक। आई एम यूजिंग टर्मरिक पाउडर बट यू कैन यूज़ टर्मरिक रूट एज वेल। टर्मरिक हैज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड करक्यूमिन विच इज़ जो कि आपके जॉइंट पेन के लिए, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। गोल्डन मिल्क आप बच्चों को दे सकते हैं और एनीबडी इन योर फैमिली कैन ड्रिंक गोल्डन मिल्क। लेट मी स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट। एज आई टोल्ड यू, हम हल्दी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं। आप हल्दी का रूट भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। हम सिनेमन यूज़ करने वाले हैं, ब्लैक पेपर, स्टार एनिस, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेटेड जिंजर। I'm using organic low-fat milk, but you can use any sort of milk. You can substitute this with coconut milk or almond milk if you want. To add a little sweetness, hum honey use karne wale hain. Aap maple syrup bhi use kar sakte hain aur simply sugar bhi dal sakte hain. One more ingredient which I'm using is coconut oil. Coconut oil is optional, but coconut oil has really good healthy fat. Healthy fat is useful to digest quickly. Overall, this drink is really good for your health. It has good anti-inflammatory properties, good antioxidant properties. So yeah, let's begin to make golden milk. हमने दूध बॉयल करने रख दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे गर्म करेंगे और दूध की क्वांटिटी आपको, जैसे मैं आज एक कप बना रही हूँ, तो एक कप बनाने के लिए मैं क्वार्टर कप ज़्यादा लूँगी बिकॉज इस बॉइलिंग प्रोसेस में दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब दूध जब हल्का सा गर्म हो गया है तो एक कप दूध के लिए मैंने इतना हल्दी पाउडर लिया है, क्वार्टर से थोड़ा सा कम। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिनेमन स्टिक हो, सिनेमन स्टिक भी बहुत अच्छी होती है। दालचीनी आप पाउडर यूज करना चाहें पाउडर, अदरवाइज स्टिक भी बहुत अच्छी होती है। ग्रेटेड जिंजर विच इज अगेन वेरी स्मॉल। ये सारी इन स्पाइसेस जो मैं डाल रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी हैं, बट देन दे हैव हीटिंग प्रॉपर्टी, सो हम इन्हें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक कप दूध के लिए चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर दालचीनी का पाउडर इसी तरह यूज कर रहे हैं। थोड़ी सी फ्रेशली ग्रेटेड ब्लैक पेपर। ऑलवेज रिमेंबर, हल्दी की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इट इज एनहांस्ड व्हेन यू मिक्स इट विद ब्लैक पेपर। अब मैं इसे थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। इस दूध को हम थोड़ा बॉयल एक दो मिनट के लिए होने देते हैं, क्योंकि बॉयल ज़्यादा होने से अरोमा भी अच्छा आता है और उसके अलावा इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। तो हम मेक श्योर करेंगे कि इवन बॉयल होने के बाद भी हम एक या दो मिनट इसको बॉयल होने के लिए रख दें। अभी एक या दो मिनट हुए हैं इस दूध को गर्म होते होते, और स्लाइटली सा जब ये गर्म होने लगेगा, आप देखेंगे कॉर्नर्स पर थोड़ा से बबल्स आने लग गए हैं, उस वक्त हम हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल ऑप्शनल है, किसी किसी लोगों को कोकोनट ऑयल का फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आता, तो अगर आप उनमें से हैं तो मत डालिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डालने के बाद इसे मैं दो मिनट तक और बॉईल करने वाली हूँ। एक चीज़ और मेक श्योर कीजिएगा, बिकॉज हम इसे कंटिन्यूसली बॉयल कर रहे हैं, तो आप यूटेंसिल जो लें उसका बॉटम थिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दूध लगने लगता है नीचे। तो मेरा दूध बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद मैंने इसे ग्लास में निकाल लिया है। अगर आपको दालचीनी और ब्लैक पेपर पसंद नहीं है तो आप इसे छान सकते हैं। मेरे घर में सबको पसंद है, तो आई एम जस्ट लीविंग इट लाइक दैट। इसमें एक आप स्टार एनिस डालें, जैसा भी आप दूध में मीठा प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हनी डाल सकते हैं। वन और टू ड्रिप ऑफ हनी शुड बी सफिशेंट। एंड ये आपका गोल्डन मिल्क रेडी है। आप इसे चाहें तो मॉर्निंग टी रिप्लेस कर सकते हैं। बेस्ट इसे होता है रात को सोने से पहले पीना।
Thank you for watching this video. Hope you like this video. And since it's my first video with Delightful Rasoi, मैं उन्हें भी thanks देना चाहती हूँ for giving me such opportunity. Please like, subscribe and share. Thank you.